हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में ही। आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के साथ बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड से रिलेटेड ही हम अभी तक दो वीडियोस और अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। और भी हम कई सारी वीडियो CSS के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो भी देखनी है तो आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे जैसे कि आप बैकग्राउंड इमेज में हम कोई इमेज लगाते हैं, जैसे कि तो बड़ी इमेज है। अब मैं कोई छोटी इमेज को डाउन करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई इमेज है 50x50 की। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक को मैं यूज करता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर्स करके मैं सर्च करता हूँ और छोटी इमेज। अब मैं छोटी इमेज जान मुझके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इन सब में जो अंतर है वो आप मेंशन कर पाए। तो मैं यहाँ पर से सेम चीज ये करूंगा और यहाँ पर सिर्फ मैं सिर्फ पाथ चेंज कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोफाइल डॉट जेपीजी, ठीक है। और जैसे ही देखिए, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा तो यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा बार बार फोटो रिपीट हो रही है। ये 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी देखिए 1 2 3 4 5, ये बार बार रिपीट कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड का साइज हमारा है पूरी स्क्रीन के बराबर और फोटो है हमारी छोटी सी, तो वो पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए अपने आप को रिपीट करेगा जब तक कि वो इमेज को पूरी तरह से स्क्रीन को फुलफिल ना कर दे। तो अगर हमको ये रिपीटेशन रोकना है तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं, अब मैं यहाँ पर लिखूं बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिपीट हमारी होती है तीन तरह की। पहला है रिपीट, रिपीट मतलब जो अभी जो है कंडीशन वो एज इट इज रहेगी। बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड रिपीट ट्रू रहता है, मतलब पहले से बैकग्राउंड रिपीट रिपीट रहता है, तो इसको हम ना भी यूज करें। या फिर हम अगर कोई हमारी ऐसी बैकग्राउंड है जो रिपीट नहीं हो रहा और हम चाहते हैं उसको रिपीट करना, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, रिपीट यूज कर सकते हैं। और अगला है हमारी रिपीट एक्स। ये इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड रिपीट एक्स होगा तो वो इमेज होगी वो हॉरिजेंटली मतलब लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस में ही वो रिपीट होगी, नीचे को नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये नीचे को भी रिपीट हो रही थी और आगे को भी हो रही थी। जैसे मैंने एक्स करा तो वो नीचे की रिपीट हट गई और सिर्फ आगे आगे रिपीट हो रही है, ठीक है। और दूसरा है रिपीट वाई। अब क्या होगा, ये हॉरिजेंटली रिपीट ना होकर के वर्टिकली रिपीट होगी। और ये रिपीट कितना होगी, जितनी मैंने इसकी हाइट इसको मेंशन करी है 50 VH की, अगर मैं इसकी हाइट को बढ़ा करके 70 VH कर दूं तो ये और नीचे तक एक्सपेंड होगी और नीचे तक रिपीट होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये रिपीट ही ना हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये रिपीट ही ना हो, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर्टी लिखूंगा नो रिपीट के नाम से। अब देखिए, अब बैकग्राउंड की हाइट तो है इतनी, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड की हाइट तो 70 75 VH ही है जितनी मैंने मेंशन करी है। तो अब क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो उतनी ही हाइट के नीचे से स्टार्ट होगा, लेकिन जो हमारी इमेज है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, जो उसका साइज है 200 पिक्सल का 250 पिक्सल का उसमें आ गई। अब मैं इसके साथ और क्या क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट मैंने इसको बंद कर दिया, अब मेरी छोटी सी इमेज हो गई। अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ कि मेरी ये राइट साइड खिसक जाए, कहाँ आ जाए, टॉप राइट में। तो मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा बैकग्राउंड रिपीट के साथ ही,
और इसको मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड पोजीशन, और मैं यहां लिखूंगा टॉप टॉप, और मैं यहां लिखूंगा राइट। देखिए टॉप में आ गई और राइट में आ गई, ठीक है। अब मैं यहां पर से करूंगा टॉप और लेफ्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट रहती है टॉप लेफ्ट में आ गई। अब टॉप के साथ साथ मैं सेंटर में करना चाहता हूं, यहां पर से देखिए बिल्कुल बीच में आ जाएगी। टॉप के साथ साथ मैं बॉटम भी कर सकता हूं, इसको देखिए बॉटम और सेंटर में आ गई, बॉटम और लेफ्ट में आएगी, बॉटम और राइट में जाएगी, ठीक है। और अगर मैं जाऊं तो बीचों बीच तो सेंटर सेंटर भी कर सकता हूं, तो देखिए बिल्कुल एकदम पिक्सल परफेक्ट सेंटर में आ रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं और वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ, बनाता रहूँ आपके लिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।